ने भी 5 दिसंबर को ये घोषणा की है कि वो नए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो कोई ना किसी को काबिज करेगी। लेकिन सवाल है कि बिना दुल्हे की बारात वाली महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर महायुति ये क्यों नहीं तय कर पा रही है कि उसका दुल्हा कौन होगा, यानी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे थे। उन्होंने कहा कि ये जो लाडला लड़का है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए है और महाराष्ट्र की जनता की पसंद है। जब महायुति की तरफ से ये कहा गया और बीजेपी के कैंडिडेट कहा गया कि नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद वो अपने सतारा अपने गांव चले गए और वहीं पे एकनाथ शिंदे कहे कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए सतारा आए हैं। और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री को जब भी कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई समस्या आती है तो सतारा का रुख करते हैं, अपने गाँव का रुख करते हैं और वहाँ से वो मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई सलूशन निकलता है। इस बार भी एकनाथ शिंदे ने वही कोशिश की, वो सतारा चले गए। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की अफवाहें हो रही। उनका लोगों को राजनीतिक गलियारों में ये कहा गया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने पहले ही कह दिया था, जाने से पहले और जाने के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नहीं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बीजेपी है और बीजेपी जिसको चाहेगी, जिसको बनाएगी, मैं उसको सर्वमान्य रूप से सहमत हो जाऊंगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, उन्होंने ये कहा कि अमित भाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे वो बीजेपी की तरफ से उसको बनाए, मेरी सहमति हो। लेकिन सवाल है कि आखिर अब तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर मोहर क्यों नहीं लगा पा रही, जो कि कहा जाता है कि बीजेपी एक बहुत ही अनुशासनात्मक पार्टी है, उसके संगठन बहुत बड़ा है और अनुशासन के तहत चलता है। आज उसी का नतीजा है कि भारत के कई राज्यों में उसकी सरकार है, अधिकतम राज्यों में सरकार है और कांग्रेस सिमटकर बहुत सीमित स्टेटों में, 3 से 4 स्टेटों में आई है, 3 स्टेट मुख्य रूप से जो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और ये, तो ये स्टेटों में उसकी सरकार है, कर्नाटका, 3 स्टेट हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी अनुशासनात्मक पार्टी अपने एक मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही। एक और भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा तय है और मुख्यमंत्री भी तय है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन सवाल है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस पर एकनाथ शिंदे क्यों नहीं मान रहे हैं। इसके पीछे की 2 वजहें बताई जा रही है। एक, देवेंद्र फडणवीस से अमित शाह के बीच दूरियां। कहा जाता है कि 2014 से लेकर 2019 तक जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उस बीच कई ऐसे मामले हुए और कई ऐसे मामलात हुए जो अमित शाह को असहज करने वाले थे। 2029 को लेके भी ये कहा जा रहा है कि अगर 75 साल की आयु वाली जो एक नीति है, एक पॉलिसी है और एक अपनी योजना है बीजेपी की कि 75 साल के बाद से वो रिटायरमेंट हो जाते हैं और मार्गदर्शन मंडल में चले जाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भी 2025 में 75 साल एबव हो जाएंगे। और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अब 2029 तक शायद हो सके कि प्रधानमंत्री मोदी कैंडिडेट लिस्ट से बाहर हो जाएं। लेकिन हालांकि इसको लेकर बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि ऐसी कोई पॉलिसी बीजेपी में नहीं है। खुद अमित शाह ने कहा कि इसकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन इससे पहले जब आप देखेंगे 2019 की सरकार में, तो चाहे वो कलराज मिश्र हो, नजमा हेपतुल्ला हो, चाहे ऐसे कई लीडर रहे जो 75 एबव किए, उनको सरकार से बाहर करके उनको या तो राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया या मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। लाल किशन अडवाणी उसके साक्षात उदाहरण है, मुरली मनोहर जोशी उसके साक्षात उदाहरण है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मार्गदर्शन मंडल में कौन जाएगा या 2029 के चुनाव में क्या होगा, सवाल ये है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं चुना जा रहा, बीजेपी एक नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच पा रही जबकि एक निश्चित तारीख तय कर दी गई है। क्या ये तारीख एकनाथ शिंदे से बिना पूछे दी गई है? सवाल एक और है कि अगर एकनाथ शिंदे की ज़रूरत नहीं है सरकार बनाने में, अगर 132 और ये अजीत पवार के अगर गुट के विधायकों की अगर संख्या देख ली जाए तो पूर्ण बहुमत से ऊपर होती है, फिर एकनाथ शिंदे पूर्ण बहुमत के ऊपर आते हैं, तो हालांकि स्टेट में एकनाथ शिंदे रहें या ना रहें बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल है कि इसके बावजूद क्यों नहीं चुन पा रही। अब आप इसको सेंट्रल से, जो अगर आप पूरे देश के कैनवास पर अगर इस तस्वीर को उकेर कर देखेंगे तो देखेंगे कि जो एकनाथ शिंदे के सांसद हैं वो दिल्ली की गद्दी पर पीएम मोदी को बैठाने और स्थायी रूप से सांस देने के लिए अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर एकनाथ शिंदे अलग होते हैं, अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं और चंद्रबाबू नायडू होते हैं, तो निश्चित रूप से जो 240 से लेकर 272 का जो मैजिक आंकड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा और एक अनस्टेबल सरकार हो जाएगी। इसलिए दिल्ली ये किसी भी स्थिति में
एकनाथ शिंदे को खोना नहीं चाहती, लिहाजा इसीलिए एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि एकनाथ शिंदे और उनके करीबी लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर समझौता कर लिए हैं, लेकिन जो बंटवारा है कैबिनेट मिनिस्ट्री का उसमें वो चाहते हैं सबसे बड़े दो पद चाहते हैं, पहला पद गृह मंत्रालय और दूसरा पद विधानसभा में स्पीकर उनका हो, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों में ऐसी उठक और बैठक की रही है जो कोई अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। कब कौन किसके पाले में चला जाए, कौन कहां से खुद के किस पाले में आ जाए, कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन किसके साथ हो जाए। हमने देखा कि 2019 में एक साथ लड़ने वाली शिवसेना और बीजेपी कैसे दोनों हिस्सों में बट के वो कांग्रेस के साथ शिवसेना चली गई, उसके बाद 2022 में क्या हाल हुआ सबने जाना, शिवसेना टूट गई, दो शिवसेना हो गई, दो एनसीपी हो गई। इसको देखते हुए एकनाथ शिंदे ने ये भांपा है कि वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस राह पे बीजेपी है उससे एक कदम आगे एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, ये जानकारों का मानना है। और ये कहना है कि भले ही शिवसेना तब जब एकजुट थी, यूनाइटेड थी, उस वक्त भले उसका मुख्य चेहरा उद्धव ठाकरे रहे हों, लेकिन पीछे की राजनीति एकनाथ शिंदे ही करते थे। यही वजह थी कि जब विधायक मुंबई से उठ के गुजरात गए, गुजरात से आसाम गए, तो किसी भी पुलिस अधिकारी, किसी भी अधिकारियों की खबर और उनके इनपुट उद्धव ठाकरे तक नहीं पहुंचे। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास हो, ताकि इनपुट्स उनको मिलते रहें कि उनके विधायक कहाँ जा रहे हैं, उनके विधायकों के साथ क्या किया जा रहा है, क्या उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है या यूनाइटेड होने की। क्योंकि आप देखेंगे कि गृह मंत्रालय बहुत बड़ा पद होता है, अगर महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय देखें तो पुलिस उसके अंतर्गत आती है, जितनी इनपुट एजेंसियाँ हैं उनके अंतर्गत आती हैं, तो उन पर आसानी से कमांड कर किया जा सकता है और पुलिस पे कमांड कर आसानी से इनपुट हासिल किए जा सकते हैं। तो इससे पता चलता रहे कि उनके विधायक उनके पार्टी को लेके क्या दूसरे सोच रहे हैं। दूसरा ये स्पीकर का पद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वही तय करता है कि कौन सा, अगर विधायक कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो किसको हटा देना है, किसको किसकी सदस्यता रद्द करनी है और किसकी बहाल रखनी है। ये बहुत बड़ा विवेक जो होता है लोकसभा स्पीकर के ऊपर होता है। तो एकनाथ शिंदे इस बात में कहीं समझौता नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 27 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी से आए नेता अदर पार्टियों यानी कि जो उनके महायुति के घटक दल थे, चाहे वो अजीत पवार का एनसीपी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, उसमें 27 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के नेता रहे हैं लेकिन उनके सिंबल पर चुनाव जीते हैं। तो उनको ये डर है कि कहीं इसमें फिर से टूट और हिस्सेदारी न हो जाए। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे इन दो पदों से समझौता नहीं करना चाहते हैं। और बीजेपी का कहना है कि वो गृह मंत्रालय का पद जो है कभी नहीं देगी महाराष्ट्र में। इसी को लेके तानातानी हुई है, लेकिन दूसरी एक चीज़ ये बताई जा रही है कि ये पीछे जो है ये एक महाराष्ट्र का खेल है, उसके लेके बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के कैनवास को लेके उकेरनी चाहिए और 2029 की तस्वीर भी एक बार देखनी चाहिए। अमित शाह कहा जा रहा है कि एक निर्विवादित नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2029 के लिए अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री पीछे हटते हैं तो जो सबसे बड़ा जो दमदार जिसकी उम्मीदवारी होगी वो अमित शाह हैं, और अमित शाह किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि उनके परिप्रेक्ष्य और उनके समानांतर कोई दूसरा कोई खड़ा लीडर हो। इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस को 2022 में जब टूटी शिवसेना तो उनको समझौता करके कहा गया कि आप डिप्टी सीएम होंगे। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो मराठा समुदाय से नहीं आता हो, एक लंबे समय बाद अपना 5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री पूरा किया हो महाराष्ट्र में, उसको मुख्यमंत्री से सीधे डिप्टी सीएम बनाया जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात होगी, यानी कि उसका सीधे प्रमोशन न करके डिमोशन। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसके बाद जो हुआ वो देखिए। और यही तस्वीर यूपी की भी है, कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच 36 का आंकड़ा होता है, और कभी भी अमित शाह योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं, आरएसएस का सपोर्ट है बैग से योगी आदित्यनाथ को लेकर, ये राजनीतिक गलियारों में ऐसी हवा है। तो ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हमने बताई कि एकनाथ शिंदे को अपनी भी पार्टी में फूट का डर है, और कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे सिर्फ कमाना नहीं जानते हैं, वो खर्च करना भी जानते हैं। और जब यूनाइटेड शिवसेना थी, एक शिवसेना थी, तो उस समय जो ट्रेजरी का काम हुआ करता था, जिसको कहा जाता है कि कोषाध्यक्ष, पूरा का पूरा काम एकनाथ शिंदे ही करते थे उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन अब तो उनकी अलग पार्टी हो गई है। उसके बाद भी जब सतारा से उठे तो उन्होंने एक संदेश भेजा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है
कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें कई मत भिन्नताएं हैं, कई प्रकार की राजनीतिक गलियारों में हलचल है, कई प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर इतनी अनुशासनात्मक पार्टी बीजेपी अपना एक मुख्यमंत्री क्यों नहीं तय कर पा रही है। दूसरी बात, एक जो उठ रही है सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको आरोप लग रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के ट्रैपिंग की, ईवीएम में छेड़खानी की। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है और विपक्ष के लीडर ये चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो एक एक स्ट्रेटजी रची जा रही है मुख्यमंत्री को लेके, कौन होगा कौन नहीं, एक तमाम प्रकार की नौटंकियाँ रची जा रही है, इसके लिए के पीछे ये हो कि मीडिया में ये मुद्दा जो ईवीएम का मुद्दा है वो गौण हो जाए और इस पर पूरा का पूरा फोकस हो मीडिया का। ये तीन चार प्रकार के सवाल हैं जो ये उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से वही पूछे जाएंगे कि आखिर इतनी अनुशासनात्मक पार्टी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन पा रही है। और एक ये भी है कि कौन सी ऐसी फाइल है एकनाथ शिंदे के पास जिसको लेके बीजेपी अभी भी उनको लेके शॉप कॉर्नर में है, क्योंकि वो 2.5 साल सरकार में रहे और निश्चित रूप से वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं एकनाथ शिंदे, कहा जाता है कि रिक्शा चलाकर अगर मुख्यमंत्री के पद तक आए हैं तो इतने छोटे दिमाग वाले तो होंगे नहीं, उनके पास भी कोई ना कोई फाइल, 2.5 साल में वो मुख्यमंत्री रहे और कोई ना कोई फाइल निकाल के बीजेपी की रखे होंगे जिससे बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत।